हेलो लर्नर, मैं शैलजा, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र विभाग, समाज विज्ञान विद्याशाखा से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम समाजशास्त्र की अवधारणाओं के विषय में चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र की अवधारणाएं समाजशास्त्र के प्राण या आत्मा कहे जा सकते हैं। समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को समाजशास्त्र की अवधारणा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। आज हम जिन अवधारणाओं के विषय में चर्चा करेंगे वो है समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिस्थिति, भूमिका, सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिकरण। आगामी कक्षाओं में हम एक एक अवधारणा को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। समाज, समाज क्या है? समाज व्यक्तियों का एक समूह है। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों के जाल से अभिप्राय सामाजिक संबंधों की उस जटिल व्यवस्था से है जिसके द्वारा व्यक्ति परस्पर संबंधित रहते हैं। समाज मनुष्यों का ऐसा समूह है जिसमें आपसी संबंध होते हैं और उनमें सहयोग की भावना होती है। समुदाय, समुदाय का प्रयोग हम किसी बस्ती, गांव, शहर, जनजाति के लिए करते हैं। समुदाय का एक निश्चित भूभाग होता है और उनमें हम की भावना होती है। समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक होती है। किंग्सले एंड डेविस के अनुसार समुदाय का वो सबसे छोटा और क्षेत्रीय समूह है जिसके अंदर सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। बोगार्ट्स का कथन है कि समुदाय का एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ सीमा तक हम की भावना होती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। अर्थात समुदाय के अंतर्गत दो तत्व महत्वपूर्ण हैं, एक निश्चित भूभाग और दूसरा हम की भावना। समिति, दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए और इनका निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। सहायता और सहयोग के आधार पर मिलजुल कर एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने वाले समूह संगठन को समिति कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और उद्देश्य की पूर्ति के बाद इसे भंग कर दिया जाता है। संस्था, संस्था के द्वारा सामाजिक नियंत्रण की स्थापना, मूलभूत सामाजिक आवश्यकता और लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। हैमिल्टन के अनुसार संस्था नियम एवं कानून का गुच्छा है। प्रमुख संस्थाएं विवाह, परिवार, धर्म, शिक्षा आदि होते हैं। विवाह का उद्देश्य यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का समाजीकरण एवं लालन पालन है। परिस्थिति एवं भूमिका, परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा को समाजशास्त्र में विकसित करने का श्रेय हम राल्फ लिंटन को देते हैं। परिस्थिति व्यक्ति का एक ऐसा विशेष सामाजिक पद है जबकि भूमिका के द्वारा परिस्थिति से संबंधित दायित्व को पूर्ण किया जाता है। जिस प्रकार अध्यापक का पद परिस्थिति है और उससे जुड़े हुए कार्यों का संगठन संपादन उसकी भूमिका है, उसी प्रकार प्रधानमंत्री का पद एक परिस्थिति है और उससे जुड़े हुए दायित्व और कर्तव्य प्रधानमंत्री की भूमिका के अंतर्गत आएंगे। एक विशिष्ट सामाजिक पद को धारण करने के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति जिस तरह से व्यवहार करता है उसे भूमिका कहा जाता है। हंटन एंड हंट के अनुसार सामाजिक संरचना, सामान्य भाषा में संरचना शब्द का अर्थ है बनावट या ढांचा है। जब किसी भवन को बनाया जाता है तो उस भवन का ढांचा या स्वरूप एक प्रकार की संरचना कही जा सकती है। जैसे शरीर की संरचना हाथ, पांव, आंख, नाक आदि से मिलकर बनती है, वैसे ही सामाजिक संरचना के भी विभिन्न भाग होते हैं। सामाजिक संरचना अनेक अंगों या इकाइयों से मिलकर बनती है। सामाजिक समूह, संस्थाएँ, समितियाँ आदि इसकी इकाइयाँ हैं। सामाजिक परिवर्तन, परिवर्तन पहले हम यहाँ पे को परिवर्तन क्या होता है ये देखते हैं। किसी वस्तु, चाहे वो भौतिक हो अथवा अभौतिक, में समय के साथ उसके आंतरिक संगठन, बनावट, गुण आदि में होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। उसी प्रकार समय के साथ समाज की संरचना, संगठन और सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सभी समाजों में परिवर्तनशीलता की गति एक जैसी नहीं होती है। कुछ समाज तीव्रता से बदलते हैं जबकि कुछ समाज अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों से चिपके रहने के प्रयास में धीमी गति से परिवर्तित होते हैं। जैसे पश्चिमी देशों में सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत शीघ्रता से परिवर्तित होते हैं जबकि भारतीय समाज में परिवर्तन धीमी गति से होता है। गाँवों की अपेक्षा शहरों में परिवर्तन तेजी से होता है। समाजीकरण, जन्म के समय मानव प्राणी ना तो सामाजिक होता है ना ही समाज विरोधी, एक जैविकी प्राणी मात्र होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे सामाजिक सीख के द्वारा छोटे से छोटा व्यवहार करना सिखलाया जाता है। इसके फलस्वरूप वो धीरे धीरे एक जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने लगता है। समाजशास्त्री क्यूबर का कथन है, मानव का व्यक्तित्व जन्म से ही पूर्ण नहीं होता है। जन्म के समय उसके पास ना भाषा होती है, ना समझ, ना कोई विचार और ना विश्वास। वो नियम जानता है,
न ही संस्कृति, लेकिन सामाजिक सीख की एक लंबी प्रक्रिया और अनुभव के द्वारा उसमें व्यक्तित्व संबंधी बहुत से सामाजिक गुणों का समावेश हो जाता है। परिवर्तन और संचरण की इस प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। धन्यवाद।